सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली कैंपस टूर करने जा रहे हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि बहुत सारी वीडियोस हैं आपके चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी लेकिन आप एक कैंपस टूर भी बना के डालिए, ऐसा मुझे सजेस्ट किया था। और मुझे लगा भी कि हाँ, ये सही है, कैंपस टूर तो डालना ही चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये जो अभी हम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअली मेन बिल्डिंग है CFU की, और ये बाहर से कुछ इस तरीके की दिखती है। ये दो रशियन फ्लैग्स मतलब साइड बाय साइड लगे हुए हैं, एंड ये इसके गेट पे जो है वो IES सर्टिफाइड भी है, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखी हुई है, यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो इसे सर्टिफाइड है ये, तो उसकी बोर्ड लगी हुई है। सो अब हम एंटर कर रहे हैं। सो जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ गार्ड्स रहते हैं, तो फिर अभी तो वो पहचान गए हमें, नहीं तो अगर आप शुरू स्टार्टिंग में आते हो तो वो आपसे मांगते हैं आपकी कार्ड या हॉस्टल कार्ड या फिर स्टूडेंट कार्ड, ताकि वो ये कर सके, क्या बोलते हैं उसको, पहचान सके कि आप इसी यूनिवर्सिटी के हो। फिर ये आपका जो है कॉरिडोर है। अब इसके अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर मतलब फर्स्ट ईयर में आप आओगे तो आपकी हिस्टोलॉजी की क्लासेस, आपकी बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस, ये सारे इसी डिपार्टमेंट में लगेंगी। सो काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पे, तो उसमें आपका जो बैच है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कहाँ क्लासेस लगती है। ये जैसे कि प्रोफेसर एफितोव है हमारे बायोकेमिस्ट्री के, नोबेल प्राइज़ विनर हैं यहाँ के। सो वो पढ़ाते तो नहीं है मतलब, लेकिन उनके अंदर टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं। सो यहाँ ऐसे ऐसे टीचर्स भी हैं मतलब जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं। सो ये कॉरिडोर है जहाँ आपकी बायोकेमिस्ट्री और हिस्टोलॉजी की क्लासेस लगेंगी, जो इन पॉइंट है। ये जो आप देख सकते हो, जब आप ऊपर आते हो तो फिर एक ऐसा कैंटीन सा बना रखा है, यहाँ कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हो, और काफ़ी सारे यहाँ मतलब ऐसा झूले लगा रखे हैं एंड डेस्क लगा रखे हैं, यहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हो। काफ़ी बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, जिसे कॉफ़ी पीनी होती कॉफ़ी पीते हैं, कुछ खाना होता छोटा मोटा सैंडविच वगैरह वो आप यहाँ से ले सकते हो। देन फिर आप एंटर करते हो यहाँ से सीधे लाइब्रेरी की तरफ। अब आप ऐसे सीधे सीधे बिल्कुल जाते हो तो लाइब्रेरी आती है। यहाँ दो लाइब्रेरी बना रखी है एक्चुअली, एक बड़ी लाइब्रेरी और एक छोटी लाइब्रेरी, तो वो आप हम देखेंगे आगे अंदर जाके। सो ये जो है, हम बिल्कुल लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं। वहाँ जो है वो लाइब्रेरी की हेड बैठी रहती है, जो कि आपका लाइब्रेरी कार्ड बनवाती है, और फिर आप यहाँ आके पढ़ सकते हो। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है लाइब्रेरी में, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम पे यहाँ काफ़ी बच्चे रहते हैं, और यहाँ बुक्स रखी हैं वो आप लेके पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको कोई बुक इशू करवानी है मतलब कोई बुक आपके हॉस्टल लेके जाना या आपके रूम पे लेके जाना है आपको, तो आप वहाँ लाइब्रेरी कार्ड में उस बुक का नाम, नंबर, सिग्नेचर देके वो उस हेड के पास जो है लाइब्रेरी की हेड, उन्हें देके आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी हम देखने जा रहे हैं बड़ी लाइब्रेरी। यहाँ जो है अभी स्टूडेंट्स होंगे काफ़ी, क्योंकि पहले प्रेफर करते हैं कि पहले बड़ी लाइब्रेरी भरे फिर छोटी लाइब्रेरी भरे, बाकी सबके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पढ़ना चाहता है। ये देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। सो यहाँ भी बच्चे रहते हैं लगभग, और ये खुली रहती है मंडे टू फ्राइडे अप्रॉक्स 8 to 5, कभी कभी 8 बजे खुलती है, कभी कभी लेट हो जाता है तो 9 बजे भी खुलती है। 9 से 5 तक खुली रहती है। जिसे रूम में डिस्टर्बेंस होती है तो वो यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, एंड अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे अगर कोई पढ़ रहा है अपने दिन में तो बहुत इनफ है, बहुत इनफ है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ हम अंदर आ रहे हैं कहाँ पर, इनिशियल डेज में ज़रूरत नहीं है,
अगर मान लीजिए मतलब कि बहुत ही क्रिटिकल समय है, एक दिन पहले एग्ज़ाम का, 2 दिन पहले, तो फिर ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है। ये अभी हम आ रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो है आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस लगेंगी और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स वगैरह जो हैं, कंट्रोल पॉइंट्स, वो सारे यहाँ पे ही होंगे। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारे रूम्स हैं, तो डिपेंड करता है किस बैच में हैं आप हैं उस अकॉर्डिंग। ये हम आ गए हैं नीचे भी, ऊपर तो कैंटीन आपने देखा ही, नीचे भी कैंटीन बना रखा है। सो जो जिनका नीचे क्लासेस है, चलो अब नीचे क्लास से थक गए, कुछ खाना है मतलब, तो यहाँ आके आप खा सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर ये अभी हम बाहर निकल गए हैं एंड ये एक्चुअली जो है ये बिल्कुल हम कैंपस देख रहे हैं कि आप यहाँ एक वॉक ले सकते हो, फ्रेश एयर, ग्रीनरीज देख सकते हो यहाँ पे आके। सो ये जो डिपार्टमेंट है ये एक्चुअली बायोलॉजी एंड रशियन डिपार्टमेंट है, और लैटिन भी यहाँ पढ़ाई जाती है। सो फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे तो बायोलॉजी, रशियन, लैटिन यहीं पे पढ़ाई जाएगी, ये इसकी डिपार्टमेंट है। सेकेंड ईयर में आप जाओगे तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोएथिक्स एंड इम्यूनोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती है। सो ये पार्क है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए, मतलब फ्रेश एयर ले सकते हो यहाँ पे एंड यहाँ भी वॉक कर सकते हो अच्छी खासी। इन्होंने रोड्स बना रखी है, और बाईसाइकिलिंग और कुछ भी आपको करना है, स्केटिंग बहुत लोग यहाँ पे करते हैं, तो वो कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर अभी जो हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल थर्ड हॉस्टल की तरफ। सो इस रास्ते से जाया जाता है थर्ड हॉस्टल एंड ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल हमारे ठीक सामने, ये थर्ड हॉस्टल है एंड यहाँ पे भी मतलब काफ़ी सारे लोग रहते हैं। सो अभी जो आपको ये हॉस्टल बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है, ये सेकंड हॉस्टल है एंड इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। यहाँ मैंने पहले भी बताया वीडियोस में कि 7 हॉस्टल्स हैं लगभग यहाँ पे, 6 कैंपस के अंदर हैं, 1 कैंपस के थोड़ा बाहर है। सो ये आप देख सकते हैं, ये सेकेंड हॉस्टल है। तो ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हम बढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस हमारी जहाँ लगती है उसके तरफ, जो कि हमारी लगती है फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर तक। सो चलिए देखते हैं अंदर। तो CFU जो है वो स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी ध्यान देती है। यहाँ फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस तो होती ही होती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और किसी भी स्पोर्ट्स में, तो भी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये खेल रहे हैं, ये शाम का समय है, इवनिंग का समय है, इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं।
वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की, जिसका जैसा इंटरेस्ट है उस हिसाब से। पहुंच चुके हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। जब सेकेंड ईयर में हमारी क्लासेस लगती है फिजियोलॉजी की, वो यहीं पे लगती है, और थेरेपी की क्लासेस भी यहीं पे लगती है। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड नाउ वी आर मूविंग इनसाइड इट। सो जैसा कि हर डिपार्टमेंट में होता है, यहाँ भी गार्ड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपके चेक करते हैं स्टूडेंट कार्ड या फिर हॉस्टल कार्ड, ताकि रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आप यहीं के स्टूडेंट हो। तो सेफ्टी का पूरा पूरा ऐसा ख्याल रखा जाता है। सो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट देखने के बाद अब हम मूव कर रहे हैं एनआर डिपार्टमेंट की तरफ, और चलिए देखते हैं आगे। सो नाउ दिस इज़ दी एन आर डिपार्टमेंट, जो कि आपका जो एन आर सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट होगा और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक चलेगा। सो अब हम एंटर करने जा रहे हैं इसके अंदर। और इस एन आर डिपार्टमेंट का जो है एक व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने और भी अच्छे से इसे दिखाया है, अभी बस हम इसे सुपरफिशियली कवर करेंगे। सो ये हम एंटर कर रहे हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ पे आपका शेड्यूल लिखा रहता है कि कब कब आपकी कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है, कौन कौन सी चेक पॉइंट होने वाली है, कब आपका एग्ज़ाम है, तो वो सब आप यहाँ से चेकआउट करते हो। तो एन आर डिपार्टमेंट देखने के बाद जो अब हम लास्ट डिपार्टमेंट देखने वाले हैं, वो है टॉप एन आर डिपार्टमेंट, जिसकी क्लासेस आपकी थर्ड ईयर में लगेंगी, सॉरी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो थर्ड ईयर में होगा। और तो उसी की तरफ अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। सो ये जो हम अंदर
एंटर कर चुके हैं। यहाँ नीचे एक जगह सी बनी है, वहाँ पे आपको जो है अपना सू कवर पहनना होता है, अपना है जो मेडिकल कैप है वो पहनना होता है, एप्रॉन पहन के ऊपर की तरफ जाना होता है, और जहाँ हमारी टॉप एंड आउट की क्लासेस लगती है। तो अभी जो है मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाऊंगा जो कि जो है मतलब यूज़ होती है टॉप एंड आउट के क्लास में, और जैसे सर्जिकल नॉट्स वगैरह होता है वो बांधने के लिए हम काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी हो गई सीजर्स हो गया, नाइफ हो गया, एम्पुटेशन के लिए, एम्पुटेशन मतलब जो हम कट लगाते हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ है क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाएंगे वो सब यहाँ पे लिखे रहते हैं, ये सब यहाँ से आप देख सकते हो। एंड अब हम आगे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। ये जो है आप एक क्लासरूम देख सकते हैं टॉप एंड आर्ट की। ये हम यहाँ पे रूल होता है रशिया में कि जब क्लास हो जाए तो उसका जो चेयर है वो हमें उल्टा के वहाँ पे रख देना पड़ता है, जैसे कि क्लासेस में देख सकते हैं आप रखी हुई है। और ये क्लास है, एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोफेसर हैं टॉप एंड आर्ट के, ज़ादनी। सो वो आपको काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे टॉप एंड आर्ट। सो ये आप देख सकते हैं जो सर्जिकल नॉट्स वगैरह कैसे लगाते हैं, एक जो डेमोन्स्ट्रेशन पोस्टर्स वगैरह क्लासरूम्स में लगा हुआ है, ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा था यही है इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रूमेंट्स की को यूज़ किया जाता है। ओल्ड टाइम में कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता था, खैर अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो भी इससे भी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन ये भी जो है एक बेसिक हमें जो है सिखाया जाता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं सर्जिकल नॉट्स को बांधने के लिए। सो सीजर्स देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सीजर्स हैं। एंड अब हम जो है आगे देखते हैं। अब जो है टॉप एंड आर्ट के डिपार्टमेंट को देखने के बाद फाइनली अब हम अपने हॉस्टल की तरफ चलते हैं। एंड मैंने काफ़ी पोर्शन जो है कैंपस का कवर कर दिया, ये अभी भी मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी पोर्शन जितनी जानना चाहिए उतना कवर कर दिया। ये आप देख सकते हैं जैसे नमस्ते था, तो इस नमस्ते में ये मेस लगवा सकते हैं आप अगर आपको खुद से खाना नहीं बनाना तो। एंड उसके बगल में ही जो है नमस्ते के बगल में फिफ्थ हॉस्टल है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं, सबसे महंगा हॉस्टल है वो बाकी हॉस्टल्स में से। एंड ये नमस्ते है, और अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको CFU में एडमिशन्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मतलब कोई भी सपोर्ट चाहिए आपको, कुछ भी चीज़ जानना हुआ, तो आप मुझे जो है इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।